एक मैसेज में पूछा गया है कि अनासपाती चढ़ाई जाती है क्या? माँ भगवती जगदम्बा काली का तो फेवरेट अनास, उसको चढ़ाने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। देवताओं को जो नहीं चढ़ाए जाते हैं वो आपको बताइए, लहसुन प्याज सलगम मूली का भी भोग नहीं, खाने में बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। लेकिन कोई बात रही है, और अनुष्ठान में तो चीज ऐसी है, अदरक नहीं चलता, गाजर नहीं, बैगन नहीं चलता, मूली नहीं, मसूर की दाल नहीं चलती अनुष्ठान में। आप गाजर खाइए अनुष्ठान को छोड़ के, हेमोग्लोबिन बढ़ता है गाजर से, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, आंख की रोशनी बढ़ जाती है गाजर खाने से। लेकिन उसमें निद्रा है, गाजर का रस पीने से अनिद्रा नींद की बीमारी खत्म हो जाती है, साधक साधना में सो न जाए इसलिए मना कर दिया। मूली ठंडक ज्यादा करती है, अब कोई पूजा में बैठा है जप कर रहा है और मूली खा करके नाक टपकेगी, बार बार पहुंचेगा, पवित्र होगा, इसलिए मूली को मना कर दिया, और कोई बात नहीं है। देखिए सिद्धांत ये बड़े अद्भुत हैं, ये चीजें आयुर्वेद में बहुत लाभदायक है। लहसुन खाने वाले को पैरालिसिस नहीं होता, उसको हैजा नहीं होता जो प्याज लेता है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। हाँ, इनमें इनका स्वभाव ऐसा है, इसमें चिड़चिड़ापन है, व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, स्वभाव का लड़ाकू हो जाता है, इसलिए हमारे साधकों ने उसको मना कर दिया। आप खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि धरती फट गई, आकाश गिर गया, थोड़ा वो साधक के लिए स्वभाव में थोड़ा ऐसा ही है, इसलिए बोला। अब मैंने गाजर बोल दी है, आप कहेंगे गाजर इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा क्यों बोल दिया, आप झपकी लगा के सो ना जाए इसलिए। ऐसी हींग है, हींग साधक, देखो हींग कितनी अच्छी है, पेट में गैस नहीं बनती हींग खाने से, हींग लेने से। लेकिन हाँ, जिसको नींद नहीं आती है उसको हींग का पानी घोल के दे दो, खर्राटे भर के सो जाएगा। साधक सो ना जाए इसलिए मना कर दिया साधु, इसलिए। तो आपने प्रश्न पूछा है, मैंने जवाब दिया, अनासपाती तो बहुत फायदेमंद है, मैंने तो एक वीडियो भी डाली अनासपाती के लिए।